हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट क्लास। आज का टॉपिक है हाउ टू मेक फेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि हम पेपर पे वाटर फ्लो करेंगे, उसके बाद कलर अप्लाई करेंगे। कलर इसमें जैसे कि मैंने किया है ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर का पैचेस दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर चूज कर सकते हैं। कलर अप्लाई करने के बाद हम लोग उस पर टेक्सचर क्रिएट करेंगे। टेक्सचर आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और या फिर मैं जैसे कर रहा हूँ उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इस पर मैंने कुछ कलर ड्रिप्स कर रहा हूँ और साथ ही साथ कुछ कलर के बॉटल्स के जो कैप है उससे मैं टेक्सचर दे रहा हूँ, जो कि मेरे पेंटिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करेंगे। कलर टेक्सचर का कंप्लीट होने के बाद, उसको ड्राई करने के बाद, फिर उस पर हम लोग ड्राइंग करेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है लॉर्ड्स बुद्धा, तो उसका हम फेस अभी ड्रॉ कर रहे हैं। ड्राइंग करने के लिए इसमें आप थोड़ा सा डार्क पेंसिल का यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पेपर में कलर है, तो आपको जब ड्राइंग करें तो आपको वो ड्राइंग दिखे, वो पेंसिल का डार्कनेस दिखे। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग कलर से आउटलाइन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेंसिल ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद फिर उस पे ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रहा हूँ। आउटलाइन करने के बाद उसमें लाइट टू डार्क टोनल वेरिएशन करूंगा, और इस टोनल वेरिएशन के दौरान मैं दो टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। एक है ओपेक टेक्निक और सेकंड है ट्रांसपेरेंट टेक्निक। ओपेक टेक्निक एंड ट्रांसपेरेंट टेक्निक, ये एक ऐसा माध्यम है जो कि एक्रेलिक कलर से संभव है, और क्योंकि हम एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहे हैं तो मैं सोचा ये दोनों टेक्निक आपको शेयर करूँ इस वर्क के दौरान, जो कि आपको एक आइडिया मिले। ओपेक टेक्निक मतलब जिसमें कलर्स थिक होते हैं, कलर डेंसिटी थिक होता है, डार्क होता है, और ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है, कलर की ट्रांसपेरेंसी रहती है, डेंसिटी थिन रहती है। आप एक कलर के ऊपर दूसरा कलर का लेयर जब देते हैं तो एक दूसरे का लेयर्स, एक के ऊपर दूसरा वो लेयर्स दिखता है, तो दोनों टेक्निक का यूज है। और इस टेक्निक को करने के लिए आपको लाइट टू डार्क अप्लाई करना है, क्योंकि लाइट कलर करने के बाद ही आप उसके ऊपर डार्क कलर कर सकते हैं। लेकिन एक बार डार्क कलर यदि कर लिया तो उसके ऊपर लाइट कलर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कर सकते लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो कोशिश कीजिएगा लाइट टू डार्क करना। Buddham Saranam
और ये वर्क करने के दौरान मुझे बहुत सारे एक्चुअली लॉर्ड बुद्धा के बहुत पॉजिटिव एनर्जी, एक्चुअली आप जब भी लॉर्ड बुद्धा के इमेजेस को देखेंगे ना, तो एक बहुत कॉन्सेंट्रेट आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर देगा, बहुत शांत कर देगा, बहुत मेडिटेटिव, बहुत एनर्जेटिक और इनलाइटमेंट कर देगा। तो कहीं ना कहीं उनके कुछ वर्ड्स, उनके कुछ कोटेशन मेरे माइंड में चल रहे, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। एक है, सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। दूसरा भी मैं कहूंगा, अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। इसी तरह से मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा यहाँ पे, और बस आपसे यही उम्मीद करूंगा कि ये वर्क जो मैं कर रहा हूँ आपको ये अच्छा लगेगा, आप इसे कुछ सीख पाएंगे। धन्यवाद।